500 वर्षों से जिस घड़ी का इंतजार था अब वो घड़ी पास आ चुकी है। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को रखा गया है। और इस मंदिर के कार्यक्रम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए जिन्होंने मुहूर्त निकाला है, सांगवेद वेद विद्यालय के प्राचार्य गणेश्वर शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि क्या 84 सेकेंड में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कैसे संपन्न होगा? बात अगर राम मंदिर की है, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की है। पहले से कार्य शुरू होगा, लेकिन प्रतिष्ठा परमेश्वर कह करके जो अक्षता छोड़ना है उस समय होगा 84 सेकंड में। क्या 84 सेकंड में प्राण प्रति जो पहले से कितने कितने देर तक ये प्राण प्रतिष्ठा का अरे पहले कार्यक्रम भक्तों से आएगा, वो सब अनुष्ठान होते आएगा, क्या क्या पहले करना है उस समय अक्षता छोड़ी जाएगी। अच्छा, ये लोगों के मन में एक और सवाल उठ रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के पहले जो है शिलान्यास का भी आपने ही मुहूर्त दिया था, तो मांग आई थी तो दिया था, अभी भी मांग आई तो दिया। तो क्या इसके लिए मंदिर राम मंदिर के जो समिति के जो कोषाध्यक्ष हैं स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज, उन्होंने यहाँ पूछा था तो अनुसार दिया। कि लोगों का लोगों के मन में ये भी आ रहा था कि क्या हो सकता है प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं, तो उनके तरफ से भी ऐसा कुछ कहा गया? नहीं, आया नहीं था, न साक्षात्कार हुआ, न पत्र आया, न कोई उनकी का व्यक्ति आया। कोई बात की जाए मुहूर्त की, तो कैसे ये इतना खास मुहूर्त है जो आपने समझ लिया 12, 29 और 8 सेकंड का जो मुहूर्त है? लग्न का मुहूर्त है जिसमें लग्न में गुरु है, लग्न से दूसरे स्थान में उच्च का चंद्रमा है, लग्न से छठे स्थान में केतु है, लग्न से 9वें स्थान में लग्नेश मंगल है, बुध है, शुक्र है, लग्न से 11वें स्थान में शनि है। इनमें गुरु, केतु, शुक्र, बुध, शनि और चंद्र ये बहुत अच्छे हैं, उसके अनुसार ये मुहूर्त है। लग्न में जो गुरु है उसकी 5वें स्थान पर, 7वें स्थान पर और 9वें स्थान पर दृष्टि है, 5वें स्थान पर होने से वहाँ जो लोग मंदिर से जुटेंगे उनकी बुद्धि अच्छी रहेगी, 7वें स्थान पर दृष्टि होने से उनके मन में सद्विचार आएगा, 9वें स्थान में होने से अच्छे कार्य होंगे और भाग्योदय होगा। भगवान का कार्य अच्छे ढंग से होता है तो उसका फल हम लोग हम प्रजा जो हैं उनको भी उन पर भी आता है। अतएव भगवान का कार्य आया तदनुसार भगवान की ही कृपा से एक उत्तम मुहूर्त मिला, सो दे दिया, उसे अभिजीत भी है। षोडश वर्ग की कुंडली में 16 कुंडलियाँ बनती हैं, उन 16 कुंडलियों के अनुसार 10 कुंडलियाँ अच्छी आ रही हैं उस समय जो 84 सेकेंड है 12:30 के पास आसपास, तो उसका परिणाम अच्छा ही है, 16 में से 10 अच्छे मिल गए। इस तरह का जो मुहूर्त है जो आपने बताया 84 सेकंड का जो मुहूर्त है, इस तरह का मुहूर्त कितने सालों बाद आया है और कब आने आएगा? भैया इसका तो कोई अनुसंधान करने नहीं चले क्योंकि हमें कोई उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु इतना बात बताए थे कई सालों बाद ये कभी आता है। ये सारे ग्रह में से 9 ग्रहों में से 6 ग्रह अनुकूल ही आ जाए, इस ऐसा मुहूर्त कम आता है। ये इस मुहूर्त में राजयोग है, नवमेश मंगल, नवमेश गुरु और लग्नेश मंगल, इनकी परस्पर दृष्टि संबंध है, राजयोग कारक है। चतुर्थेश चंद्र और पंचमेश सूर्य, इनकी परस्पर दृष्टि संबंध, ये भी राजयोग कारक है, तो बहुत अच्छे ढंग से मंदिर का कार्य होगा। जैसे आपने कहा कि राजयोग के बारे में आपने जिक्र किया, तो लोगों का ये कहा जा रहा है कि जब राम जी जो राजा बने थे तब भी यही योग था, इसी को लेकर जो है ये बनाया गया, क्या इस तरह की कोई बात? उस समय वशिष्ठादि ने जो मुहूर्त निकाला होगा उस समय जैसी परिस्थिति होगी, लेकिन उसमें भी अच्छा ही तो निकाला होगा, तो तदनुसार हम ये नहीं कहते कि उनका मुहूर्त उतना अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं कहते। लंका से राम जी जब आ गए तो रामराज्याभिषेक वशिष्ठादि ने कराया, तो उस समय अच्छा ही मुहूर्त उन लोगों निकाला होगा। काशी कॉरिडोर का जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब लोकार्पण होना था तब भी जो है आपसे ही मुहूर्त पूछा गया था? यहाँ पूछा गया तो दिया, हमारे विद्यालय का काम ही है, यदि कहीं से प्रश्न आता है तो उत्तर देते हैं। विद्यालय के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। ये 103 साल से श्री वल्लभराम शालिग्राम सांग विद्यालय आ रहा है, यहाँ पर वेदों की पढ़ाई, वेद के अंगभूत शास्त्रों की और उपांग में दर्शन शास्त्रों की भी पढ़ाई होती है,
और सतत समय में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य अन्य जो प्रश्न उपस्थित होते हैं यहाँ पर, तो उनका प्रमाण के साथ उत्तर दिया जाता है। उसके लिए खास करके गीरवाण वाग वर्धिनी सभा एक संस्था स्वतंत्र यहाँ है, और ये हम लोग 3 पीढ़ी से करते आ रहे हैं। हमारे पूज्य पितामह यानी दादाजी धर्मप्राण लक्ष्मण शास्त्री द्राविड़, उन्होंने इसकी नींव रखी, इस विद्यालय और गीरवाण वाग्रतिनी सभा के कार्य को बढ़ाया हम लोगों के पूज्य पिताजी पद्मभूषण पंडित राजेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी ने। उसके बाद उनके ही शिष्य थे राष्ट्र पंडित रामचंद्र शास्त्री होसवने जी, जो हमारे हम लोगों के गुरु भी थे। उनके आदेशानुसार हम लोग भी यथाशक्ति। हम अभी परिसर में अभी हम घूम रहे थे तो देखे किस राजा महाराजाओं की भी कुछ तस्वीरें लगी हैं। क्या किस तरह की तस्वीरें हैं, कब की तस्वीरें? देखिए, यहाँ काशी नरेश का राज्य था। काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह बहादुर इस विद्यालय के उद्घाटक थे, स्थायी सभापति थे। उनके पश्चात उनके सुपुत्र आदित्य नारायण सिंह थे, उनके पश्चात विभूति नारायण सिंह जी थे। तीनों के चित्र हैं। बाहर कोचिन नरेश, ये परीक्षित गोवर्मा, उनका भी यहाँ चित्र है। तो जो अच्छे अच्छे विद्वान हुए, अच्छे अच्छे जिन्होंने कार्य किए हैं, उनके चित्रों का संग्रह यहाँ किया गया है। अभी भी वो कार्य चलता है। आपने अभी कहा कि राजनीति ज्योतिष के बारे में भी जो है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कभी कोई सवाल यहाँ से किया गया? नहीं, आया नहीं। आता तो बताते, आया नहीं। क्या और खास होगा रामलला प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान, जो 84 सेकंड है उनमें क्या और खास होगा जो आम दिनों में नहीं? प्रतिष्ठा के सारे विधान वहाँ होंगे, वो पहले से आते रहेंगे। उसका जो हृदय है प्रतिष्ठा परमेश्वर इस मंत्र से, वो कार्य 84 सेकंड में होगा। कितने देर तक ये जो पूजा है वो चलेगी? पूजा तो सुबह से ही चलती रहेगी, 4-5-6 दिन पहले से चल रही है। कार्य तो बड़ा है, फिर भी प्रतिष्ठा का जो हृदय है वो 84 सेकंड में संपादित होगा। अच्छा, अयोध्या में कुछ और मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम होने हैं, तो देवी देवताओं के, तो क्या उनमें भी यही समय दिया गया है कि उनसे? हमें नहीं मालूम उस समय कौन दिया गया, उसका कोई विषय में कोई यहाँ पूछ नहीं आई। बिना पूछे उसमें अपने ये भी नहीं करते, दखलंदाजी नहीं करते। तो ये शास्त्री जी थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, और रामलला का जब शिलान्यास होना था मंदिर का, तब भी इन्होंने ही इनसे ही पूछा गया था, उस शिलान्यास के लिए मुहूर्त पूछा गया था, इनके द्वारा बताए मुहूर्त पे शिलान्यास हुआ था। अब जो है लोकार्पण होना है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है राम मंदिर के, इनसे पूछा गया, और 84 सेकंड का जो इन्होंने समय दिया है उस समय क्या खास होगा इन्होंने बताया। वीडियो जर्नलिस्ट शिव मिश्रा के साथ विनय सिंह, न्यूज स्टेट, वाराणसी। वीडियो जर्नलिस्ट शिव मिश्रा के साथ विनय सिंह, न्यूज नेशन, वाराणसी। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी की स्थापना भगवान शिव ने की थी, और जिस कारण से काशी एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है और यह हिंदुओं का पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण हो या महाभारत, प्राचीन ऋग्वेदों में काशी का उल्लेख हर जगह होता है, और काशी विद्वानों की नगरी भी कही जाती है। जिस वजह से काशी के ही पंडित द्वारा जो है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो 22 जनवरी को तय किया गया है, उसके लिए काशी के ही विद्वानों द्वारा ये मुहूर्त निकाला गया है। रामघाट स्थित सांगवेद विद्यालय के प्राचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री जी ने ये मुहूर्त निकाला है, जो 12:29:08 से ये मुहूर्त शुरू होगा, जो 84 सेकंड का विशेष मुहूर्त होगा, जिस मुहूर्त में क्या खास होगा इन्होंने बताया, और इस मुहूर्त के दौरान क्या चीज़ें खास होगी। सबसे बड़ी बात अगर माने तो राम मंदिर के शिलान्यास के समय, जब राम मंदिर का शिलान्यास जब हो रहा था, तब भी इन्होंने ही मुहूर्त निकाला था राम मंदिर के शिलान्यास के समय, और आज जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय हुआ है तो इन्होंने मुहूर्त निकाला है, और क्या 84 सेकंडों में क्या खास होगा जिसकी जानकारी इन्होंने दी। वीडियो जर्नलिस्ट शिव मिश्रा के साथ विनय सिंह, न्यूज नेशन, वाराणसी।